बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, सलाम अलैकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ जी, वो मैंने कुछ पूछना था सर आपसे। हाँ बताइए, क्या है? हाँ जी, तो मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। अच्छा, तो मैंने पूछना था कि डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या बेहतर है उनके लिए? कहाँ पे? यहाँ अमरीका में कहीं और हैं? अमरीका में, ब्रॉन्क्स में। ब्रॉन्क्स में, अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे। आपके वालिद साहब के, जैसे आप बता रहे, ब्रेन हेमरेज हुआ है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो उसके लिए आप परेशान हैं। उसके लिए आप नोट कर लें पढ़ने का, वो ईशा के बाद 1200 दफ़ा पढ़ना, अगर एक आदमी पढ़े, अगर चंद लोग मिल के पढ़ लें तो 12 दिन का ये अमल कर लें, 12000 दफ़ा रोज़ पढ़ना है। यहाँ नहीं कोई कर सकता तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में किसी मदरसे में या वहाँ ख़ानदान के लोग इकट्ठे होके 12000 दफ़ा पढ़ लें। और वह है या बदियल अजाइबी बिशिफाई या बदियो, या बदियल अजाइबी बिशिफाई या बदियो, ये बिशिफा पढ़ना है। बिल खैर भी होता है लेकिन ये बिशिफाई या बदियो पढ़ना है। तो ये 12000 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 12 दफ़ा दुरुशी, ये पढ़ के उनकी सेहत व आफियत की दुआ करें। बहुत ज़बरदस्त मुजरब अमल है, इंशाल्लाह हैरत अंगेज़ तौर पर 12 दिन में इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी, यानी उनको अल्लाह सेहत व आफियत दे देंगे। लेकिन अगर 12000 दफ़ा पढ़ना मुश्किल है तो कोई एक आदमी पढ़ना चाहता है तो वो 1200 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दे, ईशा के बाद 1200 दफ़ा, अव्वल आखिर 12 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के जो है उसकी सेहत व आफियत की दुआ करते रहें। और ये फिर आपने 36 दिन की नीयत से आपने पढ़ना है, 36 दिन, 12 दिन के 3 वजीफे, तो ये अमल शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपके जो वालिद साहब को शिफा होगी, सेहत होगी। और फिर ये कि उनके पास जब मिलने के लिए जाएं तो वहाँ पर जाएं तो या हयू या कयूम, या हयू या कयूम जो 21 टाइम 21 दफ़ा पढ़ पढ़ के उन पर फूंकते रहें, उनकी तरफ दम करते रहें। तो बस ये दो अमल शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको हैरत अंगेज़ तौर पर सेहत व आफियत देंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।